आज का टॉपिक है सोशल मैच्योरिटी स्केल SMSRN। सोशल मैच्योरिटी स्केल RN मतलब यह डॉक्टर नलिनी राव ने दिया था, इसलिए इसको RN लिखा गया है, राव नलिनी। एक्चुअली सोशल मैच्योरिटी स्केल होता क्या है, ये सोशली एरिया को मेज़र करता है कि जब हम एजुकेशनिस्ट बनकर अपनी सोसाइटी में जाते हैं या जब हम एक चाइल्ड हैं तब हम अपनी सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर हम कैसे बिहेवियर करके दिखाते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाते हैं, हमें अपने बड़ों से कैसे बातें करनी हैं, अपने ग्रुप में हमें कैसे बातें करनी हैं, वो सब क्या है आपका सोशल मैच्योरिटी, वो हमें दिखाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे मेनली जो सोशल मैच्योरिटी स्केल है वो डेवलप्ड विद द व्यू ऑफ अचीविंग टू प्रैक्टिकल गोल्स। कि सोशल मैच्योरिटी स्केल का निर्माण क्यों किया गया था, कि हमें दो तरीके से प्रैक्टिकल गोल्स हैं उनको अचीव करना है। फर्स्ट वो टू अटेन अ थ्योरेटिकल बैकड्रॉप विच हैज़ टू प्रोस्पेक्ट ऑफ एंश्योरिंग एन ऑपरेशनल कंसेप्ट ऑफ सोशल मैच्योरिटी विद इट्स सोशल एंड इंडिविजुअल रिलेवेंस। कि जो हमारा एक सोशल के रूप में और एक इंडिविजुअल के रूप में, कि एक व्यक्तिगत तरीके से और एक सामाजिक रूप से हम कितने मैच्योर हैं, उस चीज़ को उसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को ये क्या करता है, मेज़र करता है। द सेकेंड एंड द मोर प्रैग्मेटिक गोल टू इन्वॉल्व ए प्रसाइज एंड डिपेंडेबल मेजर्स ऑफ सोशल मैच्योरिटी एप्लीकेबल टू द नॉर्मल स्कूल चाइल्ड। प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक रूप से, कि ये व्यवहारिक रूप से क्या करता है कि जो नॉर्मल स्कूल चाइल्ड है वो कितना डिपेंडेबल है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है, तो उस चीज़ को भी ये मेज़र करता है। फाइनली हम क्या बोलेंगे, दिस फिनोमिना ऑफ सोशल मैच्योरिटी मोर एज नेचुरल एंड इनविटेबल इसेंशियल आउटकम्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम ये देखेंगे जो हमारा सेकेंड गोल है, प्रैग्मेटिक गोल है, वो हमें क्या करना है, नॉर्मल स्कूल चाइल्ड के बारे में बताना है। तो ये एरिया क्या बताता है, क्या शो करता है, कि अगर वो चाइल्ड सोशल मैच्योरिटी उसके अंदर अच्छी है, ग्रोथ उसकी अच्छी है, अगर इस पर उसका स्कोर आता है, मीडियम आता है या फिर इसका हाई आता है, तो वो बच्चा सोशली मैच्योर है। अदरवाइज रादर देन ए मेयर पैथोलॉजिकल सिम्टम, कि उसमें पैथोलॉजिकल सिम्टम है। तो ये तो इसको इसकी इंट्रो थी थोड़ी सी, ये आप लोग कर लोगे। फिर हमें ये देखना है कि सोशल मैच्योरिटी कंपोनेंट, कि सोशल मैच्योरिटी के कितने कंपोनेंट हैं। मेनली जो हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे तीन मेनली गोल होते हैं सोशल मैच्योरिटी के। हेयर इज ये यहाँ है, द थ्री डायमेंशंस ऑफ सोशल मैच्योरिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स आर गिवन एज अंडर। कि सोशल मैच्योरिटी के तीन डायमेंशंस होती हैं जो यहाँ बताई गई हैं। फर्स्ट है पर्सनल एडुकेसी, सेकेंड है सेल्फ डायरेक्शंस, थर्ड है एबिलिटी टू टेक स्ट्रेस। कि जो हमारी पर्सनल एडुकेसी है उसके अंदर तीन पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इज़ है वो वर्क ओरिएंटेशन। वर्क ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जिस काम को हमने करना शुरू किया है उससे रिलेटेड हमारी स्किल्स, एटीट्यूड्स कैसे हैं, और नॉलेज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस इन परफॉर्मिंग टास्क। कि जो टास्क हम कर रहे हैं क्या हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, उस टास्क के प्रति जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं और जो नॉलेज है, क्या हमें वो पूरी तरीके से पता है। तो वर्क ओरिएंटेशन क्या बताएगी, आपकी पर्सनल एडुकेसी के बारे में बताएगी। सेकंड है सेल्फ डायरेक्शंस। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है कि आप कितने इंडिपेंडेंटली हो किसी काम को करने में, और एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस, कि जो आप कार्य कर रहे हो, जो भी आपने कार्य किए हैं उनके प्रति आप कितने डायरेक्टेड हैं, यानी कि अपने आप को हम किसी कार्य को करने में क्या करते हैं, सेल्फ डायरेक्ट करते हैं। और यहाँ से क्या होती है कि इनिशिएटिव भी होता है, कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने चाहता है तो उसके लिए वो इनिशिएटिव लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ डायरेक्शंस। थर्ड पॉइंट इज एबिलिटी टू टेक स्ट्रेस। कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें उस काम के प्रति स्ट्रेस उत्पन्न होता है, क्या हम उस स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, यही इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, पर्सनल एडुकेसी, ये आपका सोशल मैच्योरिटी स्केल का फर्स्ट कंपोनेंट है जिसके अंदर थ्री सब कंपोनेंट हैं। सेकंड मेन कंपोनेंट इज इंटरपर्सनल एडुकेसी।
इंटरपर्सनल एडिक्वेसी में हम क्या बताएंगे कि जब दो व्यक्ति साथ में काम करते हैं तो उनके अंदर कैसा सोशल एरिया है। फर्स्ट इसमें है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत मेन होता है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, काम करते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, राइट टू कम्युनिकेट एंड मेक क्लियर मीनिंगफुल स्पीच एंड गेस्चर्स। अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन की भावना है, वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन क्या इन्वॉल्व करेगा कि वो अच्छे से उसको राइट कर सके, जो वो भाषण दे रहा है और जो उसके गेस्चर्स हैं उसके क्लियर होने चाहिए, यानी कि वो जो बोलना चाहता है और जो उसके गेस्चर्स होते हैं, हाव भाव होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। फिफ्थ है एनलाइटनिंग ट्रस्ट। इसमें वो क्या करेगा कि जब वो दूसरे के साथ बातचीत करता है तो उसमें एक विश्वास की भावना भी उत्पन्न होती है कि मैं या जो मेरे सामने वाले व्यक्ति है मुझ पर कितना ट्रस्ट कर सकता है, कि वो जैसे डिसीजन लेता है। इट इन्वॉल्व्स हर क्लियर फंक्शनिंग ऑफ एनलाइटनिंग डिसीजन अबाउट होम व्हेन एंड हाउ मच टू ट्रस्ट, कि वह कब किस पर और कितना ट्रस्ट कर सकता है। सिक्स इज कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरपर्सनल एडिक्यूसी के अंदर। अगर जब दो व्यक्ति आपस में काम करते हैं तो उनके अंदर कॉपरेशन की भावना जरूर होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, जो उसके डिजायरेबल गोल है वहाँ तक पहुँचने में ये उसकी हेल्प करता है। एंड थर्ड मेन पॉइंट इज सोशल एडिक्वेसी। सोशल एडिक्वेसी के आपका सामाजिक एरिए में आप कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हो। फर्स्ट इज सोशल कमिटमेंट। सोशल कमिटमेंट क्या होता है कि जब आप सोसाइटी के लिए काम करते हो, या क्या है इसमें सोसाइटल गोल्स हैं, जब आप सोसाइटल गोल को अप्लाई करते हो उसको आप कितना अचीव कर पाते हो, तो वो क्या कुछ सोशल कमिटमेंट कि आपने किसी समुदाय में जाकर या किसी एक सोसाइटी में जाकर आपने ये बोला है कि नहीं सोसाइटी के लिए मैं ये काम करूँगा, तो क्या आपकी सोशल कमिटमेंट है और वो आपको पूरी भी करनी होती है। एंड एट्थ पॉइंट इज सोशल टॉलरेंस। इसमें क्या है कि विलिंगनेस की भावना होती है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, फिर जो हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप्स होते हैं, उसमें बहुत से लोग हु डिफर फ्रॉम हिम, हमारे हमसे बहुत अलग होते हैं। तो क्या होता है कई बार हम जो अपनी बात को बोलना चाहते हैं वो उस बात को समझ नहीं पाते, जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति है उसकी बात को हम समझ नहीं पाते। तो क्या है, उसके अंदर सोशल टॉलरेंस की भावना भी होनी चाहिए कि जब आपकी बातों को कोई समझ ना पाए या किसी दूसरे की बात को आप अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो आप कितना उसको टॉलरेट कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट इज ओपननेस टू चेंज, कि आपके अंदर कितनी भावना है बदलाव करने की, कि अगर आपको चाहते हो कि आपके सोसाइटी में कोई बदलाव हो तो आप उसको कितना एक्सेप्ट कर पाते हो। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज इन द सोशल सेटिंग एंड अडेप्ट वन सेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ द चेंज। अब ये देखिए, जो आज का अपना टाइम है वो बहुत चेंज हो गया है। हमारा खाना पीना, हमारा रहना, ऊपर से हमारे जो घर होते हैं उनमें भी काफ़ी चेंज हुआ है जो हमारे पहले थे। तो जो हमारे पहले बुजुर्ग व्यक्ति होते थे वो क्या है, इस बदलाव को अच्छे से वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो यह इसमें क्या बताया गया है कि सोशल मैच्योरिटी में ओपननेस टू चेंज भी होना चाहिए, कि जितना बदलाव हम कर रहे हैं क्या वो उस बदलाव को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एंड अब हम ये देखेंगे कि स्कोरिंग, जो हमारे पास परफॉर्मा है इसके अंदर आपके पास 90 आइटम्स हैं, तो उसके लिए जब आप किसी को ये प्रैक्टिकल करवाओगे या फिर ऐसी किसी के साथ आप कोई चीज़ें अप्लाई करनी है, तो उसमें आप क्या लोगे, आपका टाइम पीरियड की लिमिट है, इसमें आप 45 मिनट से लेकर 1 आवर यानी कि 1 घंटे से लेकर आप 45 मिनट तक उस इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यह स्कोरिंग प्रोसेस बताया हुआ है। स्कोरिंग प्रोसेस कैसे हमें करना है, इसमें हमारे पास दो तरह की आइटम्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव आइटम को हम क्या देंगे, 4-1 स्कोरिंग देंगे, यानी कि 4-1। स्ट्रॉन्गली एग्री को 4 नंबर देंगे, एग्री को 3, डिसएग्री को 2 एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को 1। और इसका उल्टा कि हमारा नेगेटिव आइटम्स में हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली एग्री को 1, एग्री को 2, डिसएग्री को 3 एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को 4। आप यहाँ ये भी बोल सकते हो, इन पॉजिटिव आइटम्स स्कोरिंग इज गिवन स्ट्रॉन्गली एग्री टू स्ट्रॉन्गली डिसएग्री 4-1 एंड इन नेगेटिव 1-4।
यानी कि जो हमारा पॉजिटिव आइटम्स हैं उनको हम 4, 3, 2, 1 मार्क्स देंगे, जो नेगेटिव आइटम उसको हम 1, 3, 1, 2, 3, 4 आइटम्स देंगे। तो यहाँ पर इसको स्कोर बताया गया है कि जैसे अगर हाई स्कोर आता है, मान लो जो आप परफॉर्मा फिल करोगे वहाँ जो सब्जेक्ट आपको रिस्पॉन्स करेगा, अगर आपने उसको ऐड किया, अगर वो स्कोर आपका 360 आता है तो वो आपको क्या बोलोगे कि उसके अंदर सोशल मैच्योरिटी बहुत ही हाई है, यानी कि उसमें हाई लेवल में सोशल मैच्योरिटी है। अगर 90 स्कोर आता है तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम मैच्योर स्केल, कि उस व्यक्ति के अंदर या उस सब्जेक्ट के अंदर जो सोशल मैच्योरिटी है बिल्कुल ही लो है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके अंदर हमें और करना क्या है। अब जैसे इसके अंदर हमारे 90 आइटम्स हैं तो हमें यहाँ ये बताना है कि जो हमारी पर्सनल एडिक्वेसी, हम ये टेबल नहीं देखेंगे, हम यहाँ से इसको देखेंगे। जो हमारा पर्सनल एडिक्वेसी है उसमें हमारे 3 एरिया थे, वर्क ओरिएंटेशन, सेल्फ डायरेक्शंस, एबिलिटी टू टेक स्ट्रेस। इसको हम WOV लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम SD लिखेंगे, इसको हम AS लिखेंगे। अब वर्क ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या आइटम है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि जो हमारे पास स्कोरिंग थी वो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में थी, तो पॉजिटिव आइटम इसके अंदर कुछ भी नहीं है और नेगेटिव आइटम इसके अंदर क्या है, आइटम नंबर 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 79, 85 and 88। तो टोटल इसमें कितनी आइटम होगी हमारी, 12। सेल्फ डायरेक्शंस में हमारे पास पॉजिटिव कोई भी आइटम नहीं है, इसमें नेगेटिव आइटम है 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76 and 82, यहाँ हमारी 10 है टोटल आइटम। एबिलिटी टू टेक स्ट्रेस, पॉजिटिव में हमारी 52 नंबर आइटम है और नेगेटिव में हमारी 7, 16, 25, 34, 43, 61 and 70, यहाँ पर हमारी 7 आइटम है। टोटल इसमें कितनी आइटम होगी हमारी, 8 आइटम हो जाती हैं। तो टोटल हमारा पर्सनल एडिक्वेसी में टोटल कितनी आइटम आ जाएंगी, 30, कि तीनों एरिया को मिलाकर हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 30। पॉजिटिव को आपको वही मार्क देना है 4 to 1 और नेगेटिव को आपको देना है 1 to 4। ऐसे ही हम नेक्स्ट में देखेंगे। सेकंड है हमारा इंटरपर्सनल एडुकेसी, इसमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल है CM, पॉजिटिव आइटम आइटम नंबर 56, 74, 80, 86, यहाँ टोटल हमारी 4 आइटम है पॉजिटिव में। आइटम में नेगेटिव में है 2, 11, 20, 29, 38, 47, 65 and 89, टोटल हमारे पास आइटम 12 हो गई हैं। पॉजिटिव में हमारी 41, 50, 59, 77, 83, 5 आइटम। नेगेटिव में 5, 14, 23, 32, 68, 5 आइटम, टोटल हमारे पास 10 आइटम हो जाती हैं। कॉरपोरेशन में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आइटम में 17 और 26 दो आइटम हैं, नेगेटिव में 8, 35, 44, 53, 62, 71, 6 आइटम हैं, टोटल हमारे पास 8 आइटम होगी। और तीनों को मिलाकर हमारे पास इंटरपर्सनल एडुकेसी में कितनी आइटम आ जाती हैं, 30 आइटम हो जाती हैं। फिर आपके पास सोशल एडुकेसी, इसमें सोशल कमिटमेंट है, पॉजिटिव आइटम आइटम नंबर 21, 39, 57, 87, 90, टोटल 5 आइटम। नेगेटिव में 33, 12, 30, 48, 66, 75, 81, 7 आइटम, टोटल हमारे पास 12 आइटम। पॉजिटिव में 24, 42, 51, 3 आइटम। इन नेगेटिव 60, 15, 33, 60, 69, 78, 84, 7 आइटम, टोटल आइटम हमारे 10 हो जाती है इसके अंदर। ओपननेस टू चेंज, पॉजिटिव आइटम 36, 54, 63, 3 आइटम। इन नेगेटिव 9, 18, 27, 45, 72, हमारे पास 5 आइटम, टोटल हमारे पास 8 आइटम हो गई हैं। तो ऐसे ही मिलाकर जो हमारे 3 मेन एरिया हैं, पर्सनल एडिक्यूसी, इंटरपर्सनल एडिक्यूसी और हमारा सोशल एडिक्यूसी में 30 आइटम्स हैं जो हमने यहाँ दिखा रखी हैं। 30, 30 और 30, तो हमारी 90 आइटम हो जाती हैं। स्कोरिंग आपको बताई थी, पॉजिटिव आइटम को हम देंगे 4 to 1 स्कोरिंग, नेगेटिव का 1 to 4 स्कोरिंग, मिनिमम स्कोर हमारा 90 और मैक्सिमम स्कोर हमारा 3360। तो अब मैं आपको इसका परफॉर्मा दिखाती हूँ कि आपके पास किस तरह से क्या क्या चीज़ें आप इसमें शामिल करोगे। ये आपका परफॉर्मा है,
यह बताया गया है, डॉक्टर नलिनी राव ने इसको दिया है और ये हमारा हिंदी वर्जन है। आप ऐसे निर्देश पढ़ सकते हैं, इसमें वही बताया गया है कि इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके आपके पास चार ऑप्शंस हैं, तो आप एक पर टिक कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको कम्प्लीटली दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे हम इसको दिखाएंगे। इसमें मेरे पास 30 आइटम यहाँ लिखी हुई हैं, आप हर एक आइटम को पढ़ोगे और उसका आंसर दोगे, क्योंकि इसके आंसर हमारे पास 4 टाइप में हमें देने हैं, तो उस पे से आप एक पर टिक लगाओगे। 30 आइटम्स यहाँ हैं हमारी, एंड 30 आइटम्स यहाँ हैं, यहाँ हमारे टोटल 60 आइटम्स हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर इसकी 30 आइटम्स रिमेनिंग रहती हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। ये आपका परफॉर्मा है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर्स फिल करेंगे, फिर स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग करके सभी को आप ऐड कर दोगे, फिर अपना रिजल्ट तैयार करोगे। इसके साथ एक चीज़ और है, जो इसके आंसर बुकलेट है, ये परफॉर्मा है, यहाँ आपको डेट डालनी है कि आपने कब परफॉर्म किया है, यहाँ पूरा वो जिस सब्जेक्ट से आपने परफॉर्म करवाया है उसका सारी इन्फॉर्मेशन, या आप टोटल स्कोर डालोगे, जेड स्कोर कि आपका स्कोर कितना आता है वो आप यहाँ डालोगे, सोशल मैच्योरिटी लेवल कि उसका हाई है या लो है आप उसमें यहाँ ये लिख दोगे। फिर ऐसे ही ये स्कोरिंग प्रोसेस बताया गया है, आइटम नंबर 1 से लेकर 13, पर्सनल एडिक्यूसी, इंटरपर्सनल एडिक्यूसी एंड सोशल एडिक्यूसी, 30 आइटम्स यहाँ हैं, 30 आइटम्स यहाँ, 30 आइटम्स यहाँ हैं, और हर क्वेश्चन के 1, 2, 3, 4 यहाँ दिए हुए आंसर के स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, कि जब आपके वो जो वन आइटम ये है, ज़्यादा समय लेने वाले कार्य में लगे रहना मुश्किल है, कि जो कार्य ज़्यादा समय लेता है उसमें काम करना बहुत ही मुश्किल है, तो आप उससे स्ट्रॉन्गली एग्री हैं तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ एग्री हैं तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं, अगर आप डिसएग्री हैं तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं, आपको इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन ही लेना है। ये आपका इसका आंसर बुकलेट है जिसमें आपको ये आंसर फिल करने हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, जो आपकी सेकंड प्रैक्टिकल होगा, वो भी मैं आपको अभी करवा देती हूँ, तो दोनों प्रैक्टिकल आप साथ में ही कर लेंगे। सेकंड प्रैक्टिकल है हमारा इमोशनल मैच्योरिटी स्केल। वो क्या था हमारा सोशल मैच्योरिटी स्केल, कि सामाजिक रूप से हम कितने मैच्योर हैं, कैसे हम अपने काम को कर सकते हैं, ये है आपका इमोशनल मैच्योरिटी स्केल। ये आपका रोमापाल ने दिया था, कुमारी रोमापाल, कि सोशली आप कितने मैच्योर हैं, उसके साथ साथ आपको अपना इमोशनल लेवल भी चेक करना है कि आप इमोशनल भी कितने मैच्योर हैं। तो इसकी इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इमोशंस के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज इमोशंस, फिर आप इसके टाइप बताओगे कि इमोशन हमारे जैसे फियर है, एंगर है, जोय है, जेलिस है, ये हमारे सारे क्या हैं, हमारे इमोशंस के ही पार्ट हैं। एक बार मैं आपको इसका इंट्रो करवाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारा जो इमोशन है उसके कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ इमोशन, इमोशन के कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट इज फिजियोलॉजिकल इमोशंस, सेकंड कंपोनेंट इज बिहेवियरल सिचुएशनल कंपोनेंट, थर्ड इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। फिजियोलॉजिकल क्या है, जैसे हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, बिहेवियर है हमारा, बिहेवियर में जो हम दिखाई देते हैं, कॉग्निटिव है जिससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। अब मान लो आपका इमोशन है फियर, फियर में आपकी फिजियोलॉजिकल कैसी होगी, सिंपैथेटिक अराउजल, जैसे हमारे दो पार्ट होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, फियर में ओनली क्या होगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही अराउज होगा। बिहेवियरल और सिचुएशनल कंपोनेंट क्या आएगा, इसमें थ्रेट आएगा। कॉग्निटिव क्या, अवेयरनेस ऑफ डेंजर, कि कॉग्निटिव हमारा क्या बोल रहा है कि कोई खतरा आने वाला है, उस खतरे के प्रति हमें ये क्या कर रहा है, अवेयर कर रहा है। बिहेवियरल क्या है हमारा, थ्रेट, और फिजियोलॉजिकल क्या है आपका, सिंपैथेटिक अराउजल, कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराउज हो जाता है।
सेकंड है आपका, अगर यदि आपको एंगर की फीलिंग आती है, एंगर का इमोशन आता है, तो फिजियोलॉजिकल क्या होगा आपका, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों ही आपके अराउज हो जाएंगे। बिहेवियर में क्या आएगा आपका, फ्रस्ट्रेशन, और कॉग्निटिव में आपका क्या आएगा, कन्फ्यूजन और रिटेलिएशंस। तो अलग अलग जो हमारे इमोशंस हैं, हर इमोशन के साथ हमारे अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट घटित होगा, अलग बिहेवियरल होगा और अलग इसका कॉग्निटिव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ हम ये देखते हैं कि सबसे पहले चार्ल्स डार्विन, ये था, इन्होंने क्या बताया था, द फर्स्ट मॉडर्न वर्क इज सिग्निफिकेंस वॉज बाय चार्ल्स डार्विन। सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, इन हिज बुक, इन्होंने एक बुक लिखी थी, द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स, ये इनकी बुक का नाम है। इस बुक में इन्होंने इमोशन के बारे में बताया था, जो पब्लिश हुई थी 1872 में। वाइल नॉट अ थ्योरी एज सच, जब इमोशन की कोई भी थ्योरी नहीं बनी थी, तब उन्होंने क्या लिखा था, डार्विन रोट दैट सर्टेन इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन और एंड एनिमल्स। उन्होंने ये बोला था कि चाहे कोई ह्यूमन है या कोई एनिमल है, जब उनको किसी इमोशन की फीलिंग होती है, जब उनके सामने कोई इमोशन आता है, तो क्या करते हैं, ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट होता है हमारा बाहरी व्यवहार में वो दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉमन सेंस वीव दैट वैन वी आर सैड, कि जब हम सभी उदास होते हैं तो हम रोते हैं, वैन एंग्री वी आर हिट आउट, जब हमें गुस्सा होता है तो हम बाहरी तरफ में किसी को प्रति आक्रमण करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, एक कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद आपको ये लिखना है कि इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले इसके ऊपर किसने काम किया था, ये आपको इसको अपने इंट्रो में डालना है। इसके बाद हम दो थ्योरी लिखेंगे इसके अंदर, जेम्स लांजे थ्योरी। जेम्स लांजे थ्योरी क्या बताती है, इन्होंने ये बताया था कि जेम्स लांजे थ्योरी आर्ग्यूज दैट सम एक्सटर्नल इवेंट्स और स्टिमुलस ट्रिगर्स इंस्टेक्टिवली अराउजल एंड रिस्पॉन्सिस, कि इन्होंने ये बताया था कि जब हमें कोई इमोशन की फीलिंग होती है, तो सबसे पहले हमारा कॉग्निटिव काम करता है, सबसे पहले हमारा कॉग्निटिव काम करेगा, फिर फिजियोलॉजिकल काम करेगा, और उसके बाद हमारा बिहेवियर काम करेगा। पहले कॉग्निटिव में हमारा क्या आएगा, साइट ऑफ समथिंग फियरफुल, कि हमारे पास कोई फियरफुल साइट आ रही है, हमारा जो कॉग्निशन है वो हमें अवेयर कर रहा है कि कोई खतरा आने वाला है। फिजियोलॉजिकल क्या होएगा, हमारा हार्ट क्या करेगा, पाउंडिंग करेगा, यानी कि हार्ट हमारा दिल धक 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 करना शुरू कर देगा। बिहेवियर क्या आएगा, फीलिंग ऑफ फियर इमोशन, कि हमें इमोशन की फीलिंग हो जाएगी फियर की, कि हाँ हमें डर लग रहा है। तो यहाँ हमने क्या क्या, पहले हमारा कॉग्निटिव ने काम किया, सेकंड फिजियोलॉजी ने काम किया, थर्ड हमारा बिहेवियरल ने काम किया। ये हमारा जेम्स लांजे क्या बोल रहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप, तीन जो हमारे कंपोनेंट थे, तीनों स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, फर्स्ट कॉग्निटिव, सेकंड फिजियोलॉजिकल एंड थर्ड बिहेवियरल। इसके बाद हम सेकंड थ्योरी करेंगे, कैनन-बार्ड थ्योरी। कैनन-बार्ड क्या बोलता है, इन्होंने ये बोला था ये हमारा कॉग्निटिव पहले काम करता है, साइट ऑफ समथिंग फियरफुल, की कुछ खतरा आने वाला है उसको हमें अवेयर करवाता है। बट इसने ये बोला था कि हमारा फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल दोनों साथ में ही होंगे, कि हमारा हार्ट पाउंडिंग साथ में ही करेगा और फीलिंग ऑफ फियर हमें साथ में ही होगी। यानी कि कैनन-बार्ड क्या बोलना चाहता है, इमोशनल एक्सपीरियंस एंड इमोशनल बिहेवियर दोनों साथ में ही घटित होंगे, कि हमारा फिजियोलॉजिकल और हमारा बिहेवियर दोनों साथ में ही काम करेंगे। तो आपको इतना लिखना है, सबसे पहले आपको इमोशन के बारे में बताना है कि इमोशन क्या है, उसके बाद आप कंपोनेंट डिफाइन करेंगे, फिर आपको ये बताना है कि दो थ्योरीज हैं, जेम्स लांजे थ्योरी एंड कैनन-बार्ड थ्योरी। इसके बाद आप अपना परफॉर्मा फिल करेंगे, जो ये यहाँ दिखाया गया है। इस परफॉर्मे में यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये वही सिंपल बात है कि आपको कुछ एक बुकलेट प्रदान की गई है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके सामने अगर आपको सही लगता है तो आप सही का निशान लगाएंगे, अगर गलत लगता है तो गलत का निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमारी क्या है, इसके अंदर 15 आइटम यहाँ है, थर्टी वन आइटम इसमें अब यहाँ है, एंड 40 आइटम, यानी कि इस परफॉर्मे में हमारे पास केवल 40 आइटम्स हैं जिसको आपको फिल करना है। इसमें भी हमारा क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, यानी कि 4-2-1 हम इसके अंदर चलेंगे।
स्ट्रॉन्गली एग्री टू स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक हमने इसके अंदर परफॉर्मा फिल करना है। एंड देन इसमें हम ये बताएंगे आपको आइटम्स नंबर, एरिया ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, कि इमोशनल मैच्योरिटी में एरिया कौन कौन सा आता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, इमोशनल रिग्रेशन, फॉल्टी सोशल एडजस्टमेंट, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, ये इसके 5 एरिया हैं। यहाँ आइटम नंबर दिया हुआ है। इमोशनल अनस्टेबिलिटी में कौन कौन से आइटम्स आएंगे आपके, 1, 8, 12, 16, 22, 27, 36 एंड 37। इमोशनल रिग्रेशन में आपके आइटम है 2, 6, 13, 17, 23, 28, 35 एंड 38। फॉल्टी सोशल एडजस्टमेंट में आपके आइटम नंबर हैं 3, 7, 14, 19, 24, 29, 34, 39। लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी में कौन कौन सी आइटम्स हैं आपकी, 4, 9, 15, 18, 21, 26, 31 एंड 40। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी में क्या कौन सी आइटम है, 5, 10, 11, 20, 25, 30, 32 एंड 33। ये आपको क्लियर है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, इसकी स्कोरिंग प्रोसेस करेंगे हम, कि हमें स्कोरिंग कैसे करनी है। स्कोरिंग प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, 5 score इज़ टू बी गिवन टू द स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गली एग्री, यानी कि स्ट्रॉन्गली एग्री को हम 5 नंबर देंगे। 4 to agree को हम 4 नंबर देंगे। 3 to moderate, जो मॉडरेट लेवल है उसको हम 3 नंबर देंगे। 2 disagree को हम 2 नंबर देंगे और strongly disagree को हम 1 नंबर देंगे। यानी कि इसमें हमारे पास एक जो हमारे पास आइटम है उसके 5 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस आपके हैं स्ट्रॉन्गली एग्री टू स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। आपको पॉइंट देने हैं 5, 2, 1। यहाँ भी लिखा हुआ कि 5 marks देंगे हम स्ट्रॉन्गली एग्री को, 4 नंबर देंगे हम एग्री को, 3 नंबर मिलेंगे मॉडरेट लेवल को, 2 मिलेंगे डिसएग्री को और 1 मिलेगा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को। ऐसे हमने स्कोरिंग कर ली इसकी। फिर जो आपके नॉर्म्स आएंगे वो आपके, या अगर आपका जो नॉर्म्स आएगा 52 से 72 तक आता है, तो आप क्या बोल सकते हो, हमारे सब्जेक्ट में जो इमोशनल मैच्योरिटी है वो एक्सट्रीमली स्टेबल है, कि वो बहुत ही स्टेबल है, उसको पता है कि मुझे किस सिचुएशन में किस तरह से अपने इमोशन को दिखाना है। यदि 73 to 91 के बीच में उसका स्कोर आता है तो हम क्या बोलेंगे, मॉडरेटली स्टेबल, कि हमारा सब्जेक्ट में इमोशनल मैच्योरिटी वो मॉडरेटली स्टेबल है। 92 से 140 तक आता है तो हम बोलेंगे अनस्टेबल, कि वो अनस्टेबल है, कि उसको नहीं पता कि मुझे किस सिचुएशन में कैसे अपनी इमोशन को शो करना है। एंड लास्टली 152 से 115 to 180 यहाँ तक स्कोर आएगा तो हम क्या बोले, एक्सट्रीमली अनस्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल है। सो ये आपकी 2 practicals आज हो गई हैं, इमोशनल मैच्योरिटी स्केल एंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। तो आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। मेनली ये प्रैक्टिकल हमारी MA फर्स्ट ईयर के 2nd semester के बच्चों के लिए हैं। प्लीज़ सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार करें। और जो कल टॉपिक करवाया था आपको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, उसका 2nd part भी अभी आपके पास मैं सेंड करने वाली हूँ, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें। और तब तक के लिए थैंक यू।